तो यूपी राउंड 5 शुरू हो चुका है, यानी उत्तर प्रदेश में पांचवे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे शुरू हो गई थी, अब तो लगातार खबरें भी आने लगी है कि जोशो खरोश के साथ मतदाता पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। लेकिन खबर तो ये भी आ रही है कि कई ऐसी जगह है जहां पर ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही है। जो जोश है मतदाताओं का वो ठंडा पड़ रहा है, क्योंकि घंटों से वो इंतजार कर रहे हैं और ईवीएम मशीन काम करना जो ईवीएम मशीन है वो शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन मतदाताओं की लाइन वहां लंबी है। गोंडा से एक तस्वीर हमारे पास ऐसी आई थी। फिलहाल हमारे साथ विशाल पांडे जुड़े हुए हैं अयोध्या से, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे दो वरिष्ठ पत्रकार मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। एक तो रामचंद्रन जी हैं और उमाकांत साहब हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखिए रूबिका, अगर हम अयोध्या फैज़ाबाद की बात करें, क्योंकि ये ज़िला काफ़ी प्रमुख माना जाता है और लंबे समय से यहाँ के सहारे अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी राजनीति करते हैं, अयोध्या के जो कुछ प्रमुख मुद्दे थे वो मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव में आकर गौण हो जाते हैं। चाहे वो यहाँ को पर्यटन को विकसित करने का मामला हो, यहाँ के राम की पैड़ी को विकसित करने का मुद्दा हो, इसके अलावा अगर सड़कों के जाल की बात करें, चाहे बाईपास बनाने को लेकर मांग हो या अयोध्या के रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण की बात हो, तो ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं चुनाव में। और यहां पर कुछ ना कुछ जो अलग मुद्दे हैं, चाहे वो राम के नाम का इस्तेमाल हो या धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन की कोशिश हर राजनीतिक दल अयोध्या में करते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं अयोध्या में जिससे कहीं ना कहीं विकास पीछे रह जाता है, जाति हावी हो जाती है, धर्म हावी हो जाता है, तो जिसकी वजह से अयोध्या का विकास लगातार यहां पर पीछे होता जा रहा है। और वजह यह है कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसे बाहुबलियों से फैजाबाद में खासतौर पर परहेज नहीं होता, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या बीएसपी ही क्यों ना हो। रूबिका, विशाल बहुत बहुत शुक्रिया ये बातें हम तक पहुंचाने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाऊं उससे पहले बलरामपुर जिले की तुलसीपुर विधानसभा है जहाँ के हड़पुर जनकपुर में विकास ना होने की वजह से लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। और जैसा मैंने आपको बताया, गोंडा और सिद्धार्थनगर में अभी जो है परेशानी इस बात की है कि ईवीएम मशीनें ही काम नहीं कर रही है।